लो भाई थोड़ा जिस मेन काम के लिए हम लोग हिसार से दिल्ली आए थे, सब आखिर में जाके वो काम भी पूरा कर ही देते हैं। ब्लॉग में आगे चल के बताओ क्यों करके एक मत दिन कैंडल मार लिया। तड़के तड़क उठने में थोड़े लेट हो जाते हैं, उठ के देखते हैं छोटे बच्चे सैंडविच खाने लग रहे, स्कूल की ड्रेस लगा रखी थी। ज्योति पूछते माँ ज्योति क्यों करके प्रोग्राम है, ज्योति ने बोली स्कूल में भेजना चाहते खुआऊ। रे मखा ज्योति तेरे बर्गी माँ धरती पर बालक ने मिला जो सुते उठते बड़का ने सैंडविच दे दे भाई, फिर हम क्या ना स्कूल में जानते नाटा थे भाई। उसके बाद ज्योति तैयारी कर देती है, बड़का ने भेज देती स्कूल में। बड़का ने स्कूल में भेजने के बाद ज्योति मारा भी पूछने लग जाती है, बिलाजी बताओ आपने के खाना। मखा ज्योति बड़का था न्यारे थोड़ी है, हम बन न्यू का न्यू मारे खातर भी यो बना दे सोदा जो इनकी खुआया है। अब ज्योति तो लग जाती है भाई तैयारी तुरी करने में, भी हम अपने गोली ने उक्का भर लिया भी बाहर बैठ के उक्का के दो दो घूट मारते। फिर ज्योति ने रुका मार दिया, बिलाजी सारा माल मामला तैयार हो गया आके खा लो। और टेबल पर बैठने से पहले एक बार फिर ज्योति पूछती है, बिलाजी साथ में के लोगे चाय लोगे के लस्सी लोगे। मखा भाई ज्योति चाह तो सवेरे पीली क्यों, खाम खा पेट ने गड़ाओ भाई लस्सी बना दे मारे खातर। तो यह बात सुनते भाई ज्योति लस्सी तैयार कर देती है, साथ में अपने सैंडविच तैयार कर देती है भाई, दो तीन डाल की चटनी दे देती है लस्सी के साथ। गपड़ 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 सारे सैंडविच ने समार दिया हाँ। पेट में जितनी जगह थी उस तो फालतू सैंडविच भर लेते। उसके बाद गोली बोलता है, चल मोसा चल लांगे अपन एसेसरी लगवा के लेनी। माँ भाई ठीक है चल चल लांगे। ज्योति को बोलता हूँ भाई नई टी शर्ट ले रहा था वो दे दे मैंने काट गए। ज्योति ने तीन चार टी शर्ट आगे धर दी। उसके बाद मैं बताता हूँ मखा भाई पीले सरंग की दे दे मैंने बहुत ही ज्यादा पसंद आई भाई, टैग काट देते उसका पैर का निकल लेता हूँ। कास्ती टी शर्ट ने गाड़ के जैसे ही पहुंचते गाड़ी के पास गोली देखता भाई बिला मोसा को सुती है धूल जम रही भाई, कपड़ा मारना पड़ेगा भाई काला रंग की भारी समस्या भाई धूल जम जैसे बहुत ज्यादा। कपड़ा कुपड़ा मारने के बाद अपना गोली बोलता है बिला मोसा मैप लगा ले करोल बाग का भाई, मन रास्ता बेरा नहीं। मखा भाई रास्ता तो मन भी नहीं बेरा। उसके बाद मैप लगा लेते भाई निकल लेते मैप के हिसाब से, जहाँ जहाँ मैप ने भाई लेफ्ट टर्न बताया लेफ्ट मोड़ ली, जहाँ राइट टर्न बताया राइट मोड़ ली। उसके बाद मैप लेके चला गया हमने बहुत ही बढ़िया मंदिर का बरना गए, देखता हूँ बिरला मंदिर था बहुत ही बढ़िया सुंदर बना रखा था। लगभग आधा घंटे के ड्राइविंग के बाद हम लोग करोल बाग में पहुंच जाते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ मखा भाई अपना गलती बन गया पा तो पहुंच गए स्कूटर मोटरसाइकिल के मार्केट में। चलो मखा कोई बात नहीं गोली भी अपने ठिकाने पर पहुंचे गए करोल बाग तो पाए गए। पूछता हूँ एक भाई से ब्रेक लगा के, मखा भाई जी गाड़िया मार्केट में जाना कड़े के पड़ेगी, भाई ने बता दिया भाई अपना दाई लियो फिर बाई लियो पहुंच जाओगे। जैसा भाई ने रास्ता बताया था भाई पाचा पाचा मोह लेते भाई रास्ते मिल जाते हैं। कोई भाई हाथ देने लग रहे बोला भाई साहब रोको रोको हम देवांगे हम देवांगे। इन भाइयों की हाथ देख के मेरा टेंशन बढ़ जाती है, मखाई ने चुकर बेरा पट गया ब्याडा मकार एसेसरी लगवाना आ रहे हैं भाई। पूछता हूँ एक भाई से ब्रेक मार के मैं बता दे राज के इसके पास है। और इस भाई की बात सुनने के बाद सारा मामला क्लियर हो जाता है। इस भाई ने बता दिया बोला भाई साहब नई गाड़ी लेके आ रहा हूँ टेम्परेरी नंबर है, कच्ची दिखने ला रही दूर तक जाता माँ गाड़िया करा। यहाँ खड़ी हो जाती है सबसे बड़ी समस्या भाई, इतनी दुकान छड़े पूरी मंडी लग रही थी माँ भाई गोली कड़े नकली मिलाई कड़े असली मिलाई क्यों करे बेरा पटा इस बात का। पर इस सवाल का जवाब गोली एक नंबर का देता है, बोला मोसा तू बड्डा भाई तू जाना तेरा काम जाना मन कुछ नहीं बेरा भाई, तू कह गौड़ा ब्रेक मार दूंगा तू कह गौड़ा गलवा लूंगा, अब सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ जाती है। माँ कोई बात ना गोली तू टेंशन मत ले भाई मैं आप देख लूंगा। उसके बाद निकल लेते भाई एक एक करके कई दुकान देखो भाई सारी आइटम देखो सबके बाप पूछू हूँ। हाँ जिम्मेवारी आ जाती है भाई वहाँ समस्या बन जाती है भाई, लगभग दो ढाई घंटे लग जाते भाई सारी मार्केट में हांडता हूँ भाई एक एक आइटम देखता हूँ उनके बाप पूछता हूँ उनकी क्वालिटी परखता हूँ। और सबसे आखिर में जाके एक बहुत ही प्यारे सरदार जी की दुकान ढूंढ लेता हूँ, मखा भाई आड़ करवाओगे सारे काम जो भाई मैंने बहुत ही बढ़िया लगा भाई, चला जाता हूँ सरदार जी के पास। मखा भाई सरदार जी शुरू कर दे। अब अपने सरदार जी पूछते हैं बिलाजी बताओ क्या क्या काम करवाना आपने। मखा भाई सबसे पहले तो मैट बिछा दे इसके नीचे पूरी में कारपेट बिछा दे, उसके बाद अगले काम बताऊंगा आपने। भाई ने तुरंत दो आदमी की ड्यूटी लगा दी, बिलाजी सारी सीट निकाल दो भाई, उसके बाद कारपेट ने साफ कर दो वैक्यूम क्लीनर के साथ भाई, फिर अपना बिछाना शुरू कर दो नया कारपेट। इन कारपेट वाले मानसन लगाने के बाद सरदार जी मेरे पास आ जाते हैं, बोला भाई साहब के काम लगवाना सारे बता दो भाई, मेरे दूर कई मानस भाई एक करके सारा ला दूंगा आपका टाइम बच जाएगा। यह बात सरदार जी के मन में भी ठीक लगती है, मखा भाई साहब एक तो बैक कैमरा लगवाना, उसके बाद सीट कवर लगवाने भाई, उसके बाद डोर वाइजर लगवाने, उसके बाद आगे लाइट लगवानी भाई, कई काम है एक करके सारे बता देता हूँ। ये काम बताते आने भाई थोड़ा थोड़ा बह तो मन भी लगन लग रहा था, मखा भाई दिल्ली में आ रहा हूँ कदे काम का कार्ड ले छोड़ो ना भाई सारा नाम मेरा दरा जाएगा तो छोटा बालक है। अब मैं सरदार जी को बोलता हूँ मखा भाई साहब कोई भी काम शुरू करने से पहले रेट कर लिया भाई, कदे काम का सारा काम करने के बाद मेरा आगे पर्चा धर दे पीछे नहीं दूंगा मैं। दुकान का मालिक सरदार जी भी मेरी समस्या समझ जाता है, बोला भाई साहब टेंशन ना लो भाई सारी मार्केट में सबसे सस्ता दूंगा मैं, कोई बात को नहीं पहले बता दे उसके बाद दे दिए। गाड़ी का चुगुरते तो मानस चिपट गए थे भाई, हम लोग निकल लेते गोली ने बोला मौसम मैंने भूख लग रही माँ चाल बचाल तेने के मैं खुआ के लिया मन दिख जाते फ्रूट चाट की रेडी माँ गोली फ्रूट खा ले गोली मना कर देता बोला मैं कौन खाऊ। आड़े बोल बोल के मेरा भी गेटवा सूख लिया था माँ गोली तेरा जी करा वो खा ले भाई मैं तो फ्रूट चाट खाऊंगा मैं ऑर्डर दे देता हूँ। मखा भाई लगा दे एक प्लेट भाई ने काटना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अपने गोली ने टोली बैग रेडी भाई चाट पत्ते की रेडी थी भी गोलगप्पे मिले थोड़ा दही बड़े मिले थोड़ा जाके अपने दही बड़ा प्लेट बनवा लेता उसके साथ साथ गोलगप्पे प्लेट बनवा लेता है। मैं अपना आराम तक फ्रूटा का एंजॉय ले रहा था भाई लेके आ जाता है प्लेट भाई दही बड़ा प्लेट थी बिरा गोलगप्पे प्लेट थी बोला मोसा खा लेना तू भी मखा भाई बढ़िया चीज खाने ला रहे हो क्यों खाम का मेरा फ्लेवर खराब करा तू। और भाईयो लड़का इतनी दूर तक लेके रहा था एक गोलगप्पा सा खा लेता हूँ बिरा गोलगप्पा था के दही बड़ा था खा के वापस पहुंच जाते दुकान में सारा बिल बाल तैयार कर दिया था अपने सरदार जी ने पेमेंट कर देते सरदार जी को 95 रुपया की।
यार सरदार जी को बार बार धन्यवाद देकर निकल लेते हैं। फिर सरदार जी बोलते हैं भला जी गारंटी कार्ड भर के देना क्यों करके करना बता दो। मैं कहा भाई साहब आपने बता दिया हमने मान लिया भाई के कार्ड करेगा हम तो खो देंगे दो ही दिन में इसने। सरदार जी से आगे लेके निकल लेते हम लोग घर के लिए रास्ते में आ जाता घर बारण का फोन बिला जी कड़ाई पहुंचो। मखा भाई लकड़े यहाँ बेला कितनी देर लगाई माध अपना घंटा मरा लाग जाएगा। अब लुगाई ने बताया बेला ज्योति जान लग रहे सुनील ने लेके भाई कपड़े लत्ते लेने लाजपत नगर की मार्केट था जब जल्दी आ जाओ तो आपकी बाढ़ देखा ना। मखा भाई जल्दी को नहीं आ जाता हम चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली का ट्रैफिक भाई कोई भरोसा नहीं देश की राजधानी कड़े के जाम पा जाओ और खड़े रहना पड़ जाए हमारी बाट मांग ले सूख जाए कैसा रहा इस बात का। यह बात सुनते ज्योति तो निकल लेते हैं शॉपिंग के लिए भाई 15-20 मिनट के बाद हम लोग घर पहुंच जाते बालक बच्चे गेट खोलते हैं। मखा भाई चलो बहुत ही बढ़िया करा भाई बढ़ जाते हैं घर के अंदर और भाई था अपना बड़का का डिसिप्लिन देख लो भाई घर में जाते देखता हूँ भाई छोरा तो नारा अपना होमवर्क करने लग रहा था भाई छोरी नारी होमवर्क करने लग रही थी। माँ भाई बहुत ही बढ़िया शाबाश कामयाब हो गए एक दिन घर आकर बैठे थे भाई पेट जलने लग जाता कसूती डाला मखा भाई गोली एसिड बन गई बिराने के खा लिया कहते थे इन्हों ले गए जब जाकर आंध कटे इसकी। यह बात सुनते गोली ने तुरंत एक्शन लिया भाई दुकान पर इन्हों का पाउच लिया था गिलास में गाल के पानी गाल के पीने की कोशिश करता हूँ पर भाई जाग घने बन जाता है पिया ही नहीं जाता यो इतना मैं अमेरिका था फेसबुक वाले भाई का फोन आ जाता है बिला जी इस हफ्ते के विनर आपके अरविंद राठी भाई 1475 पॉइंटों के साथ है। अब इनो पीने के बाद पेट में थोड़ी शांति पड़ती है उसके बाद गोली से पूछता हूँ माँ बेटा के प्रोग्राम है डिनर का गोली ने बताया सारे बार जा रहे मन ने भी के बेरा कल तो मगा ठीक है बेटा बाढ़ देखते इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं सारे बाण भाई ना जीतरण भाई की राम राम।